hello students in my earlier video we solved first problem of farm accounting now in this video we discuss and solve problem number 2nd of farm accounting okay so let's discuss problem number 2nd from the following particulars given below prepare a dairy account for the year indeed 31st december 2014 opening stock Livestock 70,000. Hay means cattle feed twenty-seven thousand five hundred stores five thousand total one lakh two thousand five hundred. Then purchases livestock twenty thousand hay means cock ninety-five thousand stores five thousand total one lakh twenty thousand salaries and wages 8,000 general expenses, 10,000 depreciation on dairy machinery, 10,000 cells, livestock, 35,000, milk, 1 lakh, calves, 20,000, cream and ghee, 50,000, dry kettles, 10,000. Lastly, closing stock, livestock, 40,000 cattle feed 12500 stores 1500 okay this is the trial balance of dairy account proprietor has consumed milk for rupees 10000 during the year and also supplied milk of rupees 4500 to his brother as free of charge अ डेयरी मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ थर्टी थाउजेंड सोल्ड फॉर रुपीज़ फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग द ईयर ओके सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर सेकेंड सो ये जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में उसका हमें पोस्टिंग करना है इस बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है डिप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया है टेन थाउजेंड जनरल एक्सपेंसेज दिए हैं सैलरीज वेटेस दिए हैं जो हमें डेबिट साइड में लेना है डेयरी के ओपनिंग okay, स्टॉक तो डेबिट में आता है परचेसेस भी डेबिट में आते हैं जनरल एक्सपेंसेस सैलरीज एंड वेजेस एंड डेप्रिसिएशन ये सब कहाँ पे आता है डेयरी अकाउंट के डेबिट साइड में देन सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक डेयरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आए ओके okay, सो so, ये ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग यहाँ पे है देन प्रोपराइटर हैज कंज्यूम मिल्क ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड का मिल्क उसने खुद में कंज्यूम uh, किया मतलब वो खुद के यूज़ के लिए था तो वो क्या बोलेंगे हम उसे ड्राइंग ओके एंड ऑल्सो सप्लाइड मिल्क ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू हिज ब्रदर एज फ्री ऑफ चार्ज मतलब उसके भाई को भी दिया है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का मिल्क सो so ये दोनों ये बोथ भी क्या होंगे ड्राॅइंग होंगे ओके मिल्क कंज्यूम बाई प्रोपराइटर एंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो है अमाउंट जो है वो आ, ब्रदर को दी है फ्री ऑफ चार्ज ओके सो ये दोनों होंगे ड्राइंग इसमें एंट्री नहीं है वेजेस की दी नहीं है मतलब आ, फ्री ऑफ चार्ज वर्कर को दी, दिया नहीं है उसके बदले ब्रदर को दिया है लेकिन ब्रदर जो है वो उसका मतलब आ, ब्रदर मतलब उनका भाई है तो इसके वजह से वो ड्राइंग में आता है वर्कर्स में नहीं आता ठीक है सो वर्कर्स वेजेस मतलब कॉन्ट्रा एंट्री इस प्रॉब्लम में नहीं है ओके लास्टली अ डेयरी मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ थर्टी थाउजेंड सोल्ड फॉर रुपीज़ फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या है थर्टी थाउजेंड की बुक वैल्यू है और सोल्ड कितने में की है फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड में मतलब क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है डेरी मशीनरी सेल करने की बात है ना तो वो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड ऑफ डेयरी अकाउंट वाई दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ डेयरी अकाउंट क्योंकि uh, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं उसमें से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में क्या आता है ऑल गेन्स एंड इनकम्स ओके सो ये गेन है मतलब इनकम है डेयरी uh, अकाउंट की इसकी वजह से क्रेडिट साइड में आएगा डेयरी अकाउंट के ओके उसका जो डिफरेंस है फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस थर्टी थाउजेंड सो इस प्रॉब्लम में हमारा वर्किंग नोट नहीं होगा क्योंकि डिप्रिसिएशन डायरेक्टली uh, दिया है और ये जो है वर्किंग नोट उसका हम अकाउंट uh, में ही दिखाएंगे डेरी मशीनरी जो सोल्ड हुई है उसका ठीक है सो लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम Okay, so here is dairy account, debit side, credit side. Firstly, we see the debit side. Two opening stock, livestock, cattle feed and stores. Livestock 70,000, cattle feed 27,500 and stores 5,000. Total 1, two thousand five hundred. Then purchases, two purchases. Livestock 20,000, cattle feed 95,000.

ड्राई कैटल टेन थाउजेंड आउटर साइड इसके टोटल है टू लैक थर्टीन थाउजेंड बाय ड्राइंग मिल्क कंज्यूम्ड बाय प्रोपराइटर टेन थाउजेंड एंड मिल्क सप्लाईड टू ब्रदर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड आउटर कॉलम टोटल फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके देन बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डेयरी मशीनरी यहाँ पे उसका इफेक्ट होगा थोर्टी थ्री थाउजेंड सॉरी uh, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है माइनस थर्टी थाउजेंड मतलब आएगा आउटर कॉलम में थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डेन क्लोजिंग स्टॉक लाइव स्टॉक फिफ फोर्टी थाउजेंड कैटल फीड मतलब है जो है वो है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और स्टोर्स वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आउटर कॉलम टोटल फिफ्टी फोर थाउजेंड ओके सो फिफ्टी फोर थाउजेंड ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट साइड बड़ी है इसके वजह से क्रेडिट साइड की टोटली है टू लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड देन डेबिट में ली है वो लो टोटल टू लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू लैख नाइन्टी सेवन में से ओपनिंग स्टॉक की टोटल परचेज की टोटल जनरल एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन ऑन डेरी मशीनरी एंड सैलरीज एंड पेजेस ये सब अमाउंट जो है वो डिडक्ट करने के बाद क्या मिलता है प्रॉफिट वो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आता है प्रॉफिट फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सो ये जो है वो है प्रॉफिट आया है और वो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है ओके okay? सो so, ये है हमारा सेकेंड नंबर प्रॉब्लम फार्म अकाउंट का सिर्फ डेयरी अकाउंट बनाना था तो डेयरी अकाउंट बनाया है आगे आगे स्लोली स्लोली बढ़ता जाएगा अकाउंट डेयरी एंड पोल्ट्री से बोथ आएगा नहीं तो डेयरी डेयरी अकाउंट पोल्ट्री अकाउंट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे भी आएगा नहीं तो डेयरी अकाउंट पोल्ट्री अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये भी पूछ सकते हैं ओके सो ये जो शुरुआत है इसकी वजह से सिर्फ पहले प्रॉब्लम में हमने पोल्ट्री अकाउंट देखा इस प्रॉब्लम ने डेयरी अकाउंट देखा अगले का नेक्स्ट जो है वो डेयरी पोल्ट्री मिक्स है और डेयरी पोल्ट्री अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे भी हैं ओके सो सिंपल प्रॉब्लम है आई होप नो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्म अकाउंटिंग हाउ यू इट कैन पोस्टेड हाउ द प्रॉफिट कैलकुलेटेड ओके सो सी यू सीन सून इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन टेक केयर थैंक यू